हेलो प्यारे दोस्तों तथा सभी इस वीडियो को देखने वालों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सिर दर्द का किसी भी तरह का हो और किस जितने मर्जी पुराना हो उसका इलाज कर सकते हो अपने घर में ही नेचुरोपैथी से, नेचुरल वे से। देखो दोस्तों, आज यह एक फैक्ट है कि हर दूसरे व्यक्ति को सिर दर्द है, हर दूसरे बच्चे को सिर दर्द है तथा यह सिर दर्द सिर के किसी भी हिस्से में पेन से स्टार्ट होता है, हेडेक इसको कहते हैं। तो यह क्यों होता है? इसका सबसे मेन रीजन है टेंशन लेना, स्ट्रेस। इसके अलावा दूसरे भी रीजंस हैं जैसे कब्ज रहना, साइनस साइटस जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं उसके इलाज के। तो इन वजहों से क्या है कि ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाती है। जैसे कब्ज रहता है तो गैस बनेगी, टेंशन लिया तो ब्लड बनेगा ही नहीं, तो खून की सप्लाई कम हो जाती है ब्रेन में, मसल्स में प्रेशर आ जाता है तथा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है दिमाग में, जिसकी वजह से ब्रेन को तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है कि सम जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे जो बनते हैं। तो यह जो रीजंस की वजह से सिर में दर्द हो जाता है, देखो बनाने वाले ने जो हमारा ब्रेन बनाया है ना, उसमें हम 100 अरब की इंफॉर्मेशन याद कर सकते हैं और एट ए टाइम हमें पता लग जाएगा। 20 साल पहले आपने किसी का चेहरा देखा होगा, किसी दोस्त का, वो दोस्त आपके सामने आ जाए, एकदम ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, हाँ ये मेरा दोस्त है। तो इतना डाटा कलेक्ट करते हैं और हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। तो इस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो आज हम इसका इलाज करेंगे, स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस एंड फील पॉजिटिव। मैंने आपको अभी बताया कि ब्रेन का काम होता है इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करना, याद रखना, किसी भी तरह की 100 अरब से ज्यादा सूचनाएं वहां इकट्ठी होती हैं, किसी भी समय वो हमें कोई भी सूचना बता सकता है। तो वो काम उसका जो नेचुरल है, हम उसको बंद करके टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में टेंशन लेना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम काम करना बंद हो जाता है। तो 30 डेज के लिए आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट है कि टेंशन नहीं लेना और फील पॉजिटिव करना है। तो कैसे आप टेंशन नहीं लोगे, तो जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं वो आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट है ग्रेटिट्यूड फॉर अदर्स, मींस कोई भी व्यक्ति आज के दिन में जिसने आपको कोई भी सहयोग दिया, कुछ भी किया, उसका थैंक्स देना है, किस व्यक्ति ने मेरी सपोर्ट दी है, चाहे उसने आपसे तनख्वाह ली, आपसे पैसा लिया, तब भी उसका धन्यवाद देना है आपने। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। कभी कंप्लेन नहीं करना, कभी नहीं कंप्लेन करना कि उसने काम कम किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने मुझे धोखा दिया। उससे क्या है कि ब्रेन के जो 100 अरब की इंफॉर्मेशन है उसका आउटपुट बताना, एनालाइज करना, वो काम खत्म हो गया, आपके टेंशन में लग जाता है। इतना सारे उसको और भी काम है, उसके नेचुरल काम है, उसको करने दीजिए, अपना उसके ऊपर प्रेशर मत डालिए। ये आपके मन का प्रेशर उसके ऊपर है जिससे नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं, खून की सप्लाई कम हो जाएगी, खून बनना बंद हो जाएगा, ब्रेन को वो खून नहीं मिलेगा तो वहां तो पेन होगा, डिस्टर्बेंस आपको फील होगी। तो ग्रेटिट्यूड फॉर अदर होना चाहिए, कंप्लेन बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ओके, एप्रिशिएशन टू अदर्स, किसी ने भी कोई भी काम किया, किसी तरह छोटा सा छोटा काम किया, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, शाबाश तुमने बहुत आज अच्छा काम किया, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। पीस ऑफ माइंड जब होगा तो ब्रेन अपने आप स्टेबल रहेगा। तो यह जो है आपने लोगों की प्रशंसा करनी, सच्ची प्रशंसा करनी, छोटा सा भी किसी ने काम किया है, एक छोटे से व्यक्ति से लेकर कोई भी काम करता है उसकी एप्रिशिएशन करना है। कभी क्रिटिसाइज नहीं करना, निंदा चुगली करना ये गलत काम है, किसी की निंदा नहीं करनी, वो गलत आदमी है, उसने गलत काम किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये निंदा नहीं करनी, ये गलत लोगों का काम होता है, इससे आपके ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ेगा।
टेंशन इंक्रीज होगी, नेगेटिव इमोशंस आएंगे, जिससे आपके सिर में दर्द रहेगा। रिस्पेक्ट टू अदर, छोटा सा बच्चा हो उसको भी सिखाएं कि हमें हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो एक आत्मा है, हम उस परमात्मा का एक हिस्सा हैं, इस दुनिया में आए हैं, उस समय के लिए आए हैं, इसलिए छोटे से छोटे व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इज्जत से, श्रीमान जी आप यहां बैठ जाइए, जी कह के सरदार जी आप इधर आ जाइए, तो कितने अच्छे शब्द है, सरदार जी, श्रीमान जी, उसके नाम से बुलाइए, सबकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, किसी को छोटा मत समझिए, सभी को इंपोर्टेंस दीजिए, क्योंकि इससे आपका सिर दर्द दूर होगा। फॉरगिव एंड काइंडनेस फॉर अदर्स मिस्टेक, अगर किसी ने कोई गलती की है ना, आज एक एक बच्चे से गलती हो गई, मेरी बाइक को उसने साइड से एक्सीडेंट किया और जिससे उसका जो है पूरा जो जो उसमें थैला होता है वो फट गया, तो उसने अपनी गलती मान ली, मैंने कहा बेटे मैंने तेरे को माफ कर दिया, मैंने उसको जाने दिया, तो माफ करने से आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। जितने बड़े से बड़े कोई गलती करे उसको माफ कर दो, ठीक है, उससे आपको सिर दर्द कभी नहीं होगा। पार्डन फॉर ऑन मिस्टेक, आपने छोटी सी छोटी मिस्टेक भी की है ना, उसके लिए माफी मांगो, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना दूसरे को अच्छा लगता है, उस बच्चे ने माफी मांगी तो मैंने उसको माफ कर दिया, अगर मेरे से छोटी सी गलती होती है तो मुझे भी माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगने से मैं छोटा नहीं हो जाता, बट स्ट्रेस कम हो जाता है, स्ट्रेस कम होगा तो सिर दर्द कम हो जाएगा, मुझे एक गिफ्ट मिलेगा कि हेडेक, अगर मैं किसी से माफी मांग लूंगा अपनी गलती की तो मुझे माफी मिल जाएगी, उसको भी टेंशन नहीं, मुझे भी टेंशन नहीं, ठीक, कि वो क्या एक्शन लेगा, कितना भयंकर एक्शन लेगा अगर मैं माफी मांग लेता हूं, तो उससे मेरा सिर दर्द ठीक हो जाता है, मेरी टेंशन कम हो जाती है। तो यह एक दो तीन चार बातें हैं जिंदगी में, स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैंने अपने बांह के ऊपर भी इसको लिख दिया है, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड फॉर अदर्स, इसका मतलब है जी, मींस हमने दूसरों का धन्यवाद देना है, ठीक है, उनका सत्कार करना है कि भाई साहब आपने आज बहुत अच्छा काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सिर्फ इतना ही कहना है, कोई भी छोटा से छोटा काम करे उसका धन्यवाद दीजिए। एप्रिशिएशन फॉर अदर्स, छोटे से छोटे काम की उनकी तारीफ कीजिए, तुम बहुत अच्छे काम करते हो, तुम बहुत इसके लायक हो, तुम्हें बहुत एबिलिटी है इस काम की, बहुत शक्ति है आप में। रिस्पेक्ट टू अदर्स, दूसरों का इज्जत मान दीजिए, जी कह के बुलाइए, कोई भी काम कराना हो तो प्लीज कहिए, कृपा करके ये काम कर दीजिए। फॉरगिव फॉर अदर्स मिस्टेक्स, दूसरों की गलती हो के लिए हमें माफी दे देनी चाहिए, पार्डन, अपनी गलती किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसे ही आप भी लिख सकते हो, हमेशा याद रहेगा जी, ग्रेटिट्यूड, एप्रिशिएशन, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड मैं लोगों को थैंक्स करूंगा, एप्रिशिएशन करूंगा, उनकी सच्ची एप्रिशिएशन करूंगा, रिस्पेक्ट दूंगा लोगों को, जी कह के बुलाऊंगा, सरदार जी, श्रीमान जी कहूंगा, फॉरगिव, मैं साथ ही साथ बड़े से बड़े अगर कोई गलती करता है उसको माफ कर दूंगा, पार्डन, अपनी छोटी छोटी मिस्टेक के लिए मैं माफी मांगूंगा, इससे सिर दर्द कभी नहीं रहेगा। आइए आगे चलते हैं, वॉक 20 किलोमीटर पर डे, देखो जो स्ट्रेस वाला समस्या था ना वो तो इस तरीके से खत्म हो जाएगा। अब बात आ गई कि आपका भोजन नहीं पच रहा, मशीन में कब्ज है, तो 20 किलोमीटर आपने चलना है, क्योंकि आपने भोजन चबा चबा के नहीं खाया, या उस टाइम आपने कंप्लेन किया, क्रिटिसाइज किया, इंसल्ट किया, फॉरगिव नहीं किया, अपनी गलती की माफी नहीं मांगी, उसके वजह से अच्छे हार्मोन्स लीवर में नहीं बने, जिसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम हमारी आंत है 40 फुट, उसमें भोजन नहीं बचा, तो वो जो मल है ना अंदर, वो धुआं पैदा करता है, गैसें, खतरनाक गैसें उस वो ब्रेन में जाती हैं, वहां ब्लड का फ्लो नहीं रहता, जिसकी वजह से आपको बहुत सिर दर्द, मैं यहां बहुत सिर दर्द है मुझे, तो पैदल चलिए, स्ट्रेस कम होता जाएगा, बहुत होता जाएगा, सुबह चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, 10 किलोमीटर तक उतना नहीं है, चलते जाना है, उससे स्ट्रेस खत्म होगा, कब्ज खत्म होगी, कब्ज से डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, जो पत्थर भी होगा ना उसको भी पिघला देगा,
से आपने 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर सुबह भागे पैदल चलिए 10 किलोमीटर शाम को पैदल चलिए सिर्फ इतनी सी बात है और सर दर्द आपका चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगा। गोली नहीं खानी, छोटा सा बच्चा है उसको डोल इतना इतना और एनासिन क्रोसिन सभी में साइड इफेक्ट्स हैं 100, तो वो तो सिर दर्द कुछ समय के लिए ठीक करेगी 50 वैसे 1 रुपए की 2 रुपए की गोली, बट आपका लीवर जो है उड़ा देगी। बच्चे को अगले दिन पता लगेगा लीवर खराब हो गया है, फिर आप भागते होगे, तो ये गोलियां नहीं खानी। आपने सिर्फ पैदल चलना है, पैदल 20 किलोमीटर डेली चलना है, आप में इतनी एनर्जी होगी जो काम करना चाहोगे वो करोगे क्योंकि आपका सिर दर्द नहीं है। तो यह फॉलो कीजिए 30 दिनों के लिए, स्टॉप टू ईट नॉन वेज एग्स स्वीट ऑयली फूड फास्ट फूड कोल्ड फूड यह भी नहीं खाना, मांस मछली अंडा डाइजेशन खराब कर देता है, हजम नहीं होता नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं पीना हजम नहीं होता, ऑयली फूड नहीं खाना हजम नहीं होता, फास्ट फूड नहीं खाना जैसे मैदे की चीजें हैं वो नहीं खानी हजम नहीं होता, ड्रिंक ओनली नॉर्मल वाटर। तो देखो आप नॉर्मल वाटर पी सकते हो नलके का पानी, ठीक, तो उसको आप पीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, हाजमा अच्छा रहेगा, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, गैसें नहीं बनेंगी, तो आपका सिर दर्द नहीं रहेगा। ईट फ्रूट्स, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाइए, संतरा मौसमी चीकू अनार अंगूर, इतने सारे फ्रूट्स परमात्मा ने बनाए किसके लिए, आपके लिए, आपने उसको खाना है, सुबह खाना है, 2-3 घंटे के बाद फिर खाइए, 2-3 घंटे के बाद फिर खाइए, खाते रहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ज्यादा से ज्यादा खाइए, आपके लिए बना है। फ्रेश एयर इन होम एंड ऑफिस, दरवाजे बंद कर मत करके रखिए, शुद्ध हवा आने दीजिए, या फिर पार्क में जाइए वहां बैठिए, काम अपना जो ऑफिस है पार्क में बनाइए, नेचुरल वेज में जितना रहोगे फ्रेश एयर आएगी, उससे क्या है कि जो आपका प्रेशर होता है मसल टाइट हो जाते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन ब्रेन में जाने से वो टाइटनेस खत्म हो जाती है, शुद्ध ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचती है वहां जो आपके पॉजिटिव केमिकल है वो बनते हैं, सीधा सही लॉजिक है। तो यह जो 6 बातें हैं ये आपने फॉलो करनी है, स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस एंड फील पॉजिटिव, उसका फार्मूला है GARFP, ये फॉलो करना है, 20 किलोमीटर आपने पैदल चलना है, स्टॉप टू ईट नॉन वेज एग्स स्वीट ऑयली फूड फास्ट फूड कोल्ड फूड ये बंद कर देना खाना, सिर्फ नॉर्मल पानी पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल खाने हैं, सलाद खानी है ज्यादा से ज्यादा, जैसे टमाटर है, प्याज है, मूली है, गाजर है, ये खाने हैं, पुदीना है, ये खाना है, फ्रेश एयर लेनी है ज्यादा से ज्यादा, दरवाजा खोल के रखना है अगर ऑफिस में बैठना है। तो इन बातों को आप फॉलो करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका सिर दर्द 1 महीने में जैसा भी हो खत्म हो जाएगा। तो आप को कोई डाउट हो या आप पर्सनल ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 93-562-34-925 93-562-34-925 या मेरी ईमेल है vinod@svtution.org जिसमें आप मुझे ईमेल दे सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।